गुजरात के रण में प्रधानमंत्री मोदी उतर चुके हैं। गुजरात मोदी का गृह राज्य है। गुजरात से होते हुए मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार गुजरात की हवा कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सभाओं में जुट रही भारी भीड़ इस ओर इशारा कर रही है कि गुजरात में बीजेपी बैकफुट पर है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी चुनाव रण में उतरे। गुजरात में बदली परिस्थितियों के बीच जब मोदी ने हुंकार भरी तो माहौल बदला हुआ नजर आया। सोमवार को हुई मोदी की चार रैलियों ने साफ कर दिया है कि गुजरात में भले ही एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो, लेकिन मोदी के रहते कांग्रेस के लिए जीतना आसान नहीं है। सोमवार को सदे हुए अंदाज में मोदी ने गुजराती लोगों की भावनाओं को कुरेदा। राहुल से इतर मोदी फिर से लोगों को खुद से जोड़ने में सफल दिखे। मोदी ने गुजरात की जनता के सामने अपने अंदाज में साफ किया कि उनकी बेइज्जती केवल उनकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये पूरे गुजरात की बेइज्जती है। नो दीकरो देश नो प्रधानमंत्री एनु दुख ना हो बुझे भाई, कोई चा वेचवा वालो तुम्हारी गादी ले ली थी, जो तुम्हारा वारसा मान खा ली थी कांग्रेस ने, आप लोगों लखी राखे आ मोदी जे चा वेच से देश वेचवानु पाप क्या रहे नहीं करे ये लखे राख जो। मोदी खुद पर लगे आरोपों को खुद की ताकत बनाने में माहिर हैं और ऐसा ही वो कर भी रहे हैं। डोकलाम विवाद से लेकर हाफिज सईद पर राहुल गांधी के ट्वीट को मोदी अपने पक्ष में करते हुए नजर आए, जिससे साफ हो गया कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं मोदी से रह गया है। उस मोदी से जो विपक्षी के समझने से पहले ही दूसरी चाल चल देता है। अब देखना ये होगा कि 22 सालों से गुजरात की सत्ता में लौटने का इंतजार कर रही कांग्रेस मोदी इफेक्ट का क्या हल निकालती है, क्योंकि गुजरात में अब मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।